जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस परीक्षा का ही क्वेश्चन पेपर है जो 1 नवंबर 2018 को ये परीक्षा हुई है, जो आरपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई गई थी। इसमें केवल हम ये देखने वाले हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, यानी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं। आपको मालूम होगा 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रहते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके अलावा जो भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं वो टीचिंग मेथड से पूछे जाते हैं। हम यही देखेंगे कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो साइंस की टीचिंग मेथड किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं उन्हें देख लेते हैं। मोस्टली सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे, तो चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 131 बना है, जो इस प्रकार पूछा है आपसे कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ये चार ऑप्शन थे, करके सीखना, देख कर सीखना, रट कर सीखना और अंत प्रज्ञा से सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना, यानी लर्निंग बाई डूइंग पर आपकी प्रयोगशाला विधि आधारित होती है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी 2010 में भी यही क्वेश्चन बना था, उसमें इस प्रकार पूछा था कि करके सीखना सिद्धांत निम्न में से किस विधि से संबंधित है। तब उसमें राइट आंसर प्रयोगशाला विधि ही माना था। तो हम कह सकते हैं 2010 का 2018 में रिपीट किया गया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 132 ये पूछा था कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं श्रव्य और दृश्य शिक्षण सामग्री में हम कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और जो नहीं करते हैं वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तैयारी का करते हैं, प्रस्तुति का करते हैं और चयन का करते हैं, लेकिन अवलोकन का सिद्धांत है वो आपकी श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री से संबंधित नहीं है ये सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो शिक्षक का नहीं है, जैसे नियोजन करना, जैसे इंग्लिश में देखें प्लानिंग करना और गाइडेंस करना और काउंसलिंग करना, ये सभी आपके कह सकते हैं शिक्षक के या टीचर के कार्य होते हैं, लेकिन बजट बनाना है ना ये आपके शिक्षक का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया है, यानी जो आपका NCF 2005 है हम कहेंगे इन चार ऑप्शनों में से जो NCERT है इसके द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 था, किस दस्तावेज में विद्यालयी शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है। इन चार ऑप्शनों में से देखें तो NCERT 2005 है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें आपको अनुशंसा की गई थी, यानी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा था कि शैक्षिक उद्देश्य जो RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है, मूल्यांकन इसके अंदर आता है, संश्लेषण और विश्लेषण, ये सभी आपके कह सकते हैं सृजनात्मक के अंतर्गत आते हैं RCEM की पद्धति के अनुसार, लेकिन जो सत्यापित है वो नहीं आता, यानी वेरीफाई करना। तो ये आपका RCEM की जो पद्धति थी उसके में जो सृजनात्मकता थी उसके अंदर जो शब्द है वो सत्यापित नहीं आता, ऐसे बोल सकते हैं। तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 137 नंबर के, प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये रीट में भी पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये शिक्षण विधि को बाहर देना ये आपका संबंधित नहीं होगा प्रश्न पत्र से, किसके, नील पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 138 नंबर के, अविक्रमित अनुदेशन अधिगम का प्रतिपादन किसने किया, सिंपल ही था PF स्किनर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 बनाता है कि CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है, इनमें से संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे अधिगम में वृद्धि करना ये आपके संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 ये बनाता है कि विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्ष में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ये किसका सुझाव है, तो ये आपके कोटारी आयोग का सुझाव था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है, इन चार ऑप्शनों को देखते हैं तो हम कहें गत्ते का डिब्बा है ये सुरक्षा उपकरण नहीं होगा, तो बाकी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 142 है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया था, तो सिंपल ही था 3 पक्षों में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 ये बनाता है कि क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर क्या होता है, तब हम कहेंगे आदत का निर्माण करना होता है, ये आपका उच्चतम व्यवहार स्तर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 ये पूछा था कि समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया था, तो हम कहेंगे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 ये उन्होंने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 ये पूछा था कि विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है, तब हम कहेंगे ज्ञान प्रक्रिया और समाज, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
ये पहली बार क्वेश्चन बना है आरपीएससी में। ये कह रहा है फूस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है? तो हम कहेंगे ये आपके शैक्षिक उद्देश्य और जो अधिगम अनुभव होते हैं और आपका मूल्यांकन प्रक्रिया, ये इसी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन ला सकता है, उनकी क्रियाओं की आदतों को बदल सकता है तथा भी अपने पास जो है एवं भी जो करते हैं उनका मूल्यांकन का निर्धारण करने में यह कथन किसने दिया था या किसने कहा था? तो हम कहेंगे ये थर्बर व कॉलेट के द्वारा दिया गया था। इन्होंने टीचर को भी एक मीडिएटर बताया है, मध्यस्थ। ये 2010 में ये इनसे ही क्वेश्चन बना है। ये थर्बर एवं कॉलेट ने बताया कि शिक्षण एक मीडिएटर का काम करता है। ये 2010 में ये क्वेश्चन शिक्षण विधि में पूछा गया था। यहाँ पर ये आपका एक कॉटन पूछा है जो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 148 बनाता है कि बोध के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम कहेंगे कंपोजिशन करना है, रचना करना है, ये आपके बोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पूछा था कि प्रोजेक्ट विधि में कौन सा नियम संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे जो ये ऊपर के 3 नियम है, 1, 2, 3, ये थोंडा के मुख्य नियम है। जो आनुवंशिकता का नियम है ये संबंध नहीं रखता है प्रोजेक्ट मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है, तो वो आपके निदानात्मक परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।